हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो लिब्रा कैल्क की है। तो लिब्रा कैल्क में क्या इनेबल फिल हैंडल की सर्विस मिल जाएगी हमें, और मिलेगी तो कैसे मिलेगी, और एक्सेल जैसा कि एक्सेल में हम देखते हैं आमतौर पर कि इनेबल फिल हैंडल ऐसी सुविधा हमें मिल जाती है। ये इनेबल फिल हैंडल क्या होता है, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ संडे, ठीक है, तो जी हाँ बिल्कुल इनेबल फिल हैंडल की सर्विस आपको यहाँ भी मिलेगी। और यहाँ से ये जो चौकोर सा दिख रहा है यहाँ से पकड़ के आप इसे ड्रैग कीजिए, तो देखिए यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे करके ये अपने आप आता चला जा रहा है। इसे हम कहते हैं इनेबल फिल हैंडल, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूं मैं जनवरी, JAN लिख दिया हमने सिर्फ जनवरी, ठीक है, और अगर मैं इसे राइट साइड में ड्रैग करता हुआ चला जाता हूं तो फरवरी मार्च ये सब अपने आप आता चला जाएगा। इसे हम कहते हैं इनेबल फिल हैंडल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूं फिर यहां लिखता हूं 4, इट मींस कि ये 2 का टेबल लिखना है, ठीक है। तो दोनों को पकड़ा और यहां से ड्रैग करते हुए चले गए तो यहाँ 2 की टेबल आ जाएगी। इसे कहते हैं इनेबल फिल हैंडल। तो ये सर्विस भी हमें प्रोवाइड करता है लिब्रा कैल्क, ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है यहां पर भी वही चीज होती है। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मैं कुछ नेम टाइप कर रहा हूं, नाम टाइप कर रहा हूं, जैसे राम, ठीक है, फिर यहां लिखा श्याम, फिर यहां लिखा राम, फिर यहां लिखा राजू, फिर यहां लिखा सोहन, फिर यहां लिखा मोहन, फिर यहां एक बार और लिख देता हूं सोहन। तो ऐसे रिपीटेडली मैं कई नामों को मैं रिपीट भी कर रहा हूं, इसमें देख सकते हैं आप। इसको कॉलम को सिलेक्शन में ले लीजिए, यहां पर क्लिक कीजिएगा कॉलम हेडिंग पे तो ये सिलेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब कॉलम को सिलेक्शन में लेने के बाद हमें क्लिक करना है डेटा टैब पर, ठीक है। तो यहां से चले जाइए डेटा टैब पर, और डेटा टैब पर आने के बाद आपको कहां जाना है, यहां पर आना है आपको मोर फिल्टर पर और आना स्टैंडर्ड फिल्टर पर। तो जैसे स्टैंडर्ड फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का एक बॉक्स आपको ओपन होगा आपके सामने, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, कॉलम ए दिखाई पड़ रहा है, यहां पे मैं कर देता हूं नन, ठीक है। यहां पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहां पर क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे, और यहां पर मैं ये चाहता हूं कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू ना आए, तो यहां पर नो डुप्लीकेट्स पर कर दीजिए क्लिक और ओके प्रेस कर दीजिए। अब यहां पर जो डुप्लीकेट था वो हट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट्स वैल्यूज को हटा पाएंगे इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये शॉर्टकट वीडियो में ये जो ट्रिक है आपको अच्छी लगेगी, फिल्टर करके हम कैसे डुप्लीकेट्स वैल्यू को हटा पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।